हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा को लेकर दो बड़े अपडेट यहाँ पर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, दो जोन से यहाँ पर छात्रों की वेटिंग यहाँ पर क्लियर हुई है और छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कट ऑफ को डाउन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों अपडेट्स को। यहाँ पर देखिए, पहला जो अपडेट है वो दोस्तों आ रहा है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। और यहाँ पर देखिए, कट ऑफ को डाउन करके पांचवी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई लिस्ट यहाँ पर बुलाई जा रही है। देखिए दोस्तों, रेलवे में करंटली जो वेटिंग क्लियर करने का प्रावधान है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन दूसरे तरीके से कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है। सपोज कीजिए, किसी भी RRC के पास 1000 सीटें हैं, टोटल 1000 पदों पर अगर भर्ती आई है तो करंटली 1000 कैंडिडेट को ही यहाँ पर बुलाया जाता है शुरुआत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये जो 1000 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, इनमें से कुछ कैंडिडेट एबसेंट भी हो जाते हैं, कुछ कैंडिडेट मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, कुछ के डॉक्यूमेंट में कमी हो जाती है, तो ऐसे में कुछ सीटें यहाँ पर खाली रह जाती हैं। सपोज करते हैं कि भाई 1000 सीटें थी, उनमें से 800 सीटें यहाँ पर भर पाई, 200 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो गए, तो ये 200 सीटें थी उनको वापस से भरने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, कट ऑफ को डाउन करेंगे और सेकेंड DV यहाँ पर बुलाई जाती है। फिर सेकेंड DV में भी क्या होता है, वापस से 200 कैंडिडेट को बुलाया जाता है जितनी सीटें खाली होते हैं, और फिर अगेन क्या होता है, कुछ कैंडिडेट फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि एबसेंट हो जाते हैं, मेडिकल में बाहर हो जाते हैं या एक साल के अंदर रिजाइन देके चले जाते हैं। तो ये सिलसिला दोस्तों यहाँ पर चलता रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पांचवी बार यहाँ पर कट ऑफ को डाउन करके, मतलब चार बार कट ऑफ डाउन हुई है और पांचवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर निकाली जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बता रखा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर ने यहाँ पर एक नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पर आयोजन किया जाए और किया है, जिसमें 22/10/2024 से लेकर 24/10/2024 यानी कि 2 दिन तक आपका नया DV यहाँ पर होने वाला है। और इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, ये है। यहाँ पर बताया गया, कैंडिडेट्स एडमिशन टू DV सेंटर विल बी सब्जेक्ट टू प्रोवाइडिंग इको लेटर। ठीक है, तो आप एक आपकी जो वैलिड ID है वो लेके जाए और इको लेटर है वो यहाँ पर लेके जाए। ठीक है, इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हुआ, इसके अलावा पासपोर्ट साइज हो गया, SC ST OBC EW जिससे आप बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, इसके अलावा CBT और PET का आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट 22/10/2024 से और 24/10/2024 जो आपको टाइम दिया गया है, अगर इस टाइम के दौरान अगर यहाँ पर अपना DV नहीं करवा पाता तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 25/10/2024 को भी अपना यहाँ पर करवा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बताया गया है, कैंडिडेट रिमेन एबसेंट ड्यूरिंग 4th DV। ठीक है, तो 4th DV के अंदर भी अगर कोई एबसेंट था वो भी दोस्तों अपना यहाँ पर इस तारीख को यहाँ पर अपना जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाँच यहाँ पर करवा सकता है। और यहाँ पर आप देखिए, 91 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, जिनका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर DV की डेट आपके सामने यहाँ पर बताई गई है। बी आपके 22, 23 और 24, 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है। चलिए दूसरा अपडेट है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो दोस्तों आ रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि RRC सिकंदराबाद की तरफ से। और यहाँ पर आप देखेंगे, 4 कैंडिडेट्स हु रिमेन्ड एबसेंट इन 4th DV। तो यहाँ पर अभी देखिए, रिसेंटली 4th DV का आयोजन किया था जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या हुए, एबसेंट हो गए, तो उनको यहाँ पर दोबारा से मौका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हमने अभी 4th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 23/9 से लेकर 26/9 तक टोटल 232 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें आप देखेंगे तो लगभग 15% कैंडिडेट यहाँ पर एबसेंट हो गए, यानी कि आपके 33 कैंडिडेट यहाँ पर एबसेंट हो गए जिनकी लिस्ट यहाँ पर नीचे दी गई है। और बताया गया है, ये जो कैंडिडेट है इनको दोबारा से मौका दिया गया है, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करवा सकते हैं। और उसके लिए देखिए डेट यहाँ पर दे रखी है 3/10/2024, 3 अक्टूबर को वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ये एड्रेस है, यहाँ पर आपको जाना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट लेके, और ये टाइम है 9:30 का। और यहाँ पर बता रखा है, जो भी कैंडिडेट अगर 3/10/2024 को भी अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है तो इन्हें भविष्य में दोबारा से यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैंडिडेट की लिस्ट है, इनके रोल नंबर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और कब इनका DV होना है वो है, और आपका मेडिकल एग्जाम की डेट भी है और टाइम भी यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका भी सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर, ज़रूर से जाइएगा। और अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर एक नई लिस्ट निकाल के और आपकी जगह दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये अपडेट था यहाँ पर RRC ग्रुप डी भर्ती का, जहाँ पर दो अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहे थे,
जहां पर आपके वेटिंग क्लियर का मामला था, ठीक है। बाकी देखिए रेलवे का कोई भी अपडेट आता है उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम मिल जाएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।